ईद मुबारक, ईद अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम तो आज ईद के तीसरे दिन PWD इस्लामाबाद में लाहौरी नाश्ते पर हैं और यहाँ का नाश्ता बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं क्योंकि आज बाजी के घर पे कुछ मेहमान भी आने हैं, जुम्मा भी है और शाम को मुझे अपनी भाभी की तरफ भी जाना है। और यहाँ से नाश्ता करके घर जाते ही सबसे पहले मैंने अपना सूटकेस खोला है क्योंकि मैं पाकिस्तान 3 महीने के लिए आई हूँ और मैं आते वक्त अपने साथ बहुत सारे ऐसे कपड़े लेकर आ गई थी कि जो मैं किसी शादी ब्याह या किसी तकरीब में पहन सकूँ। लेकिन सलाम है मेरे रिश्तेदारों को जिन्होंने किसी एक ने कोई शादी नहीं रखी, किसी के घर कोई मंगनी नहीं हुई। तो फिर मैंने यही सोचा कि ये जितने भी कपड़े मैं अपने साथ लेकर आई हूँ ईद पर, बस मैं पहले दिन का एक जोड़ा बनाऊँगी और बाकी मैं इन्हीं कपड़ों को पहनूंगी। तो आज ये मैंने अपना संदूक खोला है और इसके अंदर से एक ब्लू ड्रेस निकाला है अपनी भाभी के घर जाने के लिए क्योंकि आज उन्होंने मुझे ईद की दावत पे बुलाया है। मैं अपने ख़ानदान के एक एक इंसान से कह रही हूँ कि जिसके घर में भी बच्चे हैं, भाई कोई इनकी शादी कर दो, इनकी मंगनी कर दो, कुछ नहीं तो इनकी बात ही पक्की कर दो ताकि मुझे भी कोई तकरीब में जाने का मौका मिले। अच्छा माँ बाप तो माँ बाप, अब जब बच्चों से भी पूछो कि भाई तुम्हारी शादी कब हो रही है, तुमने क्या सोचा है शादी के बारे में, तो कोई कहते हैं कि जी 3 साल के बाद सोचेंगे, कोई कहता है 4 साल के बाद करेंगे, कोई कहता है 5 साल के बाद सोचना शुरू करेंगे। हमारे टाइम पर तो ऐसा नहीं था भाई, पहले ज़माने में तो यही होता था कि बस यही हो कि पढ़ लो, लड़के नौकरी कर लें और या लड़कियां पढ़ लें, तो उसके बाद बस वो शादी के ख्वाब देखना शुरू कर देते थे। तो आजकल ये सब कुछ भी नहीं है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये सारे के सारे जोड़े जो हैं तो ये बैग में वापस जाएंगे। इस ड्रेस को ना प्रेस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये शिफॉन है और इसके ऊपर थोड़ी बहुत इस तरह की एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस लगे हुए हैं, तो वो फ़ौरन जलने का ख़तरा होता है। तो बस मैं यही कर रही हूँ कि इस्त्री को बहुत ही हल्का सा मैंने गर्म किया है और स्प्रे गन के साथ मैं इसको बिल्कुल हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, जब मेरे कपड़े प्रेस हो गए और अनाया के कपड़े प्रेस करने की बारी आई तो मैंने यह देखा है कि गरारा काफ़ी लंबा है, तो मैंने यही किया है कि मैंने इस वक्त उसको प्रेस करके उसकी एक लाइन बना ली है और उसके बाद अब मैं इसको सिलाई करने के लिए बैठ गई हूँ। अच्छा, ये जो पीछे से आपके वे वे करके रोने की आवाज़ें आ रही हैं, ये कोई बच्चा नहीं रो रहा है, ये मेरी बहन के घर में पैरेट है तो वो बोलता है ये सारी बात। क्या बात है मिट्टू, क्या बोल रहे हो, क्यों रो रहे हो बेटे? फ्लफी क्यों रो रहा है बेबी? खैर, ये अपनी मर्जी के हैं और जब इनका मूड होता है तो ये बोलते हैं और जब इनका मूड नहीं होता ये बिल्कुल बिलीव नहीं करवाते हैं। आज ईद के तीसरा दिन है और साथ साथ जुम्मा भी है, तो नमाज़ वग़ैरह से भी फारिग हो गई हूँ और अब बिल्कुल तैयार हूँ कि अपनी भाभी के घर चली जाऊँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई टैक्सी कॉल कर सकूँ, मगर सबसे पहली बात तो ये कि कोई टैक्सी नहीं मिल रही है और बड़ी मुश्किल से अगर कोई टैक्सी मिल भी रही है तो वो 5-10 मिनट के बाद उस कॉल को कैंसिल कर रहे हैं। इस वक्त भी टैक्सी को आने में 10 मिनट है क्योंकि ऐप पे शो कर रहा है कि टैक्सी 10 मिनट तक आएगी, तो मैंने फारिग बैठने से बेहतर यही सोचा कि मैं बच्चों की ईदियाँ वगैरह तैयार कर लूं क्योंकि ईद पर बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना ईदी की एक्साइटमेंट होती है कि उनको ईदी मिले। ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पैसे हों या बहुत कम पैसे हों, लेकिन बस ये होता है कि जब भी कोई घर पर मेहमान आए या वो कहीं जाएँ तो उन बच्चों को ईदी मिल जाए। खैर, अल्लाह अल्लाह करके हमारी टैक्सी आ गई और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे कि आप चाहते हुए भी वक्त की पाबंदी नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि आप लेट हो जाते हैं तकरीबन आधा घंटा एक घंटा। मेरा जो हिसाब था वो ये था कि 5:30 बजे तक मैं वहाँ बिल्कुल पहुँच जाऊँगी, लेकिन तैयार होने के बावजूद भी जो है तो मैं नहीं निकल सकी थी घर से। ये PWD का बाज़ार है और आम दिनों में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है,
लेकिन आज ऐसा है कि आज रश कम है और सारी जो शॉप्स हैं वो भी बंद हैं, मौसम भी अच्छा है, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि रास्ते में बेजारी हो रही है, बड़े अच्छे से जो है ना तो हमारा सफ़र गुजर गया है। और अब हम लोग अपनी भाभी के घर पहुंच गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमारे लिए गेट खोल दें। जब हम अपनी भाभी के घर पहुंचे हैं तो अनाया के लिए मेरी भतीजी की तरफ से एक सरप्राइज़ था कि क्योंकि अनाया की ये पहली ईद है पाकिस्तान में, तो उसके लिए उसने केक मंगवाया था और बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स उसने रखे हुए थे उसके लिए, ताकि उसकी ये पहली ईद जो कि पाकिस्तान में गुजरी है वो बहुत ज़्यादा यादगार गुजर जाए। Wow, your first Eid. Is it your first Eid in Pakistan? और अनाया वाकई बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि ये इसकी पहली ईद है पाकिस्तान में, तो उसको तो ये नहीं पता था कि ईद किस तरह से मनाई जाती है। यानी ईद ज़ाहिर है मनाते हैं वहाँ पर भी, हम लोग मस्जिद जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिश्तेदारों की वजह से एक रौनक है। और सबसे बढ़कर ये कि इस सरप्राइज़ में अनाया की सारी फेवरेट चीज़ें थी, उसको चॉकलेट बहुत पसंद है, तो जो केक था वो भी चॉकलेट फ्लेवर में था और बुके में भी बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स थी, इवन हर चीज़ में उसके लिए बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स थी, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मैं ये ईद मुबारक अनाया, बल्कि अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि ईद के दिन अनाया की असली वाली ईद हो गई। दूसरे हाथ कुछ भी कर लो, बना इसको पहना अपनी सहेली को। सहेली खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। उस्मान इधर आओ बेटा, ईद मुबारक। मैंने इस ईद पर मेहंदी नहीं लगवाई थी क्योंकि मैंने अपनी भतीजी से मेहंदी लगवानी है, जिसने अभी अभी मेहंदी लगानी शुरू की है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी मेहंदी लगाती है। तो मैंने तो आते ही फरमाइश कर दी कि भाई मुझे जल्दी से मेहंदी लगा दो ताकि खाना खाने से पहले पहले वो ड्राई हो जाए और उसका रंग भी अच्छी तरह से आ जाए। तो ये मेरी मेहंदी है जो कि मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है क्योंकि मेरी भतीजी ने बहुत ज़्यादा टाइम निकाल कर मुझे लगाई है और बहुत ज़्यादा प्यार से लगाई है, तो मुझे ये यकीन है कि इसका रंग भी बहुत अच्छा और बहुत गहरा आएगा। मेहमान भी आ गए हैं और खाना भी तकरीबन तैयार है। मैंने अपनी भाभी की थोड़ी सी हेल्प की है खाना निकालने में और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने अकेले बनाई हैं। जो जो चीज़ें मुझे पसंद थी उन्होंने पूछ कर वो सारी की सारी चीज़ें बनाई हैं। मीठे में फ्रूट ट्राइफल है जो कि मेरी बेटी की फेवरेट डिश है, तो वो उन्होंने उसके लिए बनाई है। और ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने आज अकेले किसी भी हेल्प के बग़ैर बनाई हैं, तो इसके लिए इस व्लॉग में ही उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक परवरदिगार सबके रिस्क में बरकत दें। और अब मैं तो जा रही हूँ मेहमानों को बुलाने के लिए ताकि हम सब लोग बैठ के अपना ईद का डिनर कर सकें। और इस उम्मीद के साथ मैं इस व्लॉग को बंद करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे खैर खैरियत के साथ होंगे, खुश होंगे। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबको मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।